गैर राजनीतिक देशव्यापी देश व समाज के सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने का कार्य कर रहे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व छात्रधारी सैनिक शिवमंगल सिंह आईपी ने रेजांगला शौर्य दिवस 18 नवंबर 2020 के अवसर पर 1962 चीन युद्ध में 1300 सैनिकों को मारने व 3000 से ऊपर सैनिकों को खदेड़कर चीनी सेना के छक्के छुड़ाने वाले 13 कुमायूं रेजिमेंट की चार्ली अहिर कंपनी के 120 जवानों में से 110 जवानों के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर रेजांगला के 110 वीर अहिर सैनिकों के सम्मान व वर्तमान सेना की मजबूती के लिए अहिर रेजिमेंट की मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा कि जहां अहिर रेजिमेंट बनाने से रेजांगला के 110 शहीद वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही हमारे देश की सेना भी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा कि यदि लंबे समय से मांग हो रही अहिर रेजिमेंट को आपकी सरकार द्वारा बना दिया जाता है तो पूरे देश की यादव अहिर जात के लोगों का झुकाव आपकी सरकार व आपके प्रति होगा, जिससे भविष्य में और भी मजबूती के साथ आपकी सरकार देश में स्थापित हो सकती है। अंत में उन्होंने लिखा कि हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास है कि शहीदों के सम्मान व सेना की मजबूती के साथ साथ देश व समाज हित में आप ऑपरेशन विजय के हजारों पदाधिकारियों एवं लाखों समर्थकों की भावना का सम्मान करते हुए पत्र पर गंभीरता से विचार कर अवश्य ही अहिर रेजिमेंट बनाने का फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। 1962 में चीन युद्ध में जिस तरह से 13 कुमायूं रेजिमेंट की चार्ली यानी अहिर कंपनी के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार कर करीब 3000 सैनिकों को युद्ध से खदेड़ कर चीनी सेना के दांत खट्टे करते हुए देश के स्वाभिमान व लेह लद्दाख को बचाकर जो इतिहास रचा उसके लिए आज तेजांगला शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर हम ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की ओर से उन वीर अहिर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को एक पत्र लिख रहे हैं, जिसमें तेजांगला में शहीद हुए वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए व देश के अंदर काफी लंबे समय से मांग चल रही अहिर रेजिमेंट की मांग को स्वीकार करने हेतु आज हम पत्र लिख रहे हैं और अनुरोध करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से कि तेजांगला के वीर सैनिकों की शहादत में उनके सम्मान में अहिर रेजिमेंट का गठन करें जो आज सेना को मजबूत करने के लिए भी एक बहुत अच्छा यह कदम होगा। साथ ही जो लंबे समय से एक अहिर यानी यादव जात के लोगों द्वारा अहिर रेजिमेंट की मांग की जा रही है, अगर आपकी सरकार द्वारा इस रेजिमेंट की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो भविष्य में आपकी सरकार देश के अंदर और भी मजबूती के साथ खड़ी होगी, वहीं देश की सेना को एक वास्तविक अहिर रेजिमेंट बनाने से मजबूती मिलेगी। और यह कदम कोई नया कदम नहीं है, पहले से भी देश की सेना के अंदर जाति व धर्म के तहत रेजिमेंटों का गठन हुआ है और यह गठन जब शुरू में किया गया था उसमें कहीं ना कहीं सेना को मजबूती के तहत ही यह कदम था। इस कदम के तहत ही आज अहिर रेजिमेंट की मांग ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग
कि कोर कमेटी के सुझावित फैसले पर हमने उठाया है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं यशस्वी रक्षा मंत्री जी हमारे इस सुझाव के ऊपर अमल करते हुए देश व समाज हित में अहिर रेजिमेंट के गठन को प्राथमिकता देंगे व जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करते हुए देश की जो पुराने समय से एक मांग है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।